हैदरी से आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एनसीपी विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवाट की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में वर्तक नगर पुलिस ने थाने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 100 से 150 पेज की चार्जशीट है। इससे आरोपी अनंत कुमुरसे की परेशानी बढ़ गई है। कुमुरसे ने सोशल मीडिया पर विधायक अवाट की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी, जिससे जितेंद्र अवाट ने बताया कि उन्हें मानसिक और शारीरिक तरह से ठेस पहुंची है। इस मामले के बाद अनंत कुमुरसे के खिलाफ वर्तक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब विधायक अवाट को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूँ। सुनिए एनसीपी विधायक जितेंद्र अवाट ने क्या कहा है। मेरी ओर से पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम 2 साल के बाद उन्होंने ये सामने लाया कि वो 5 साल से मुझे तकलीफ दे रहा था और ये विद प्रूफ लाया हूँ, क्योंकि फेसबुक अकाउंट और ये डिलीट नहीं होता। उसने क्या किया मुझे पता नहीं, पर कम से कम पुलिस की खोज में ये तो निकला है और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो ये नहीं मिली है कि उसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई फुटपट्टी से गिना नहीं जा सकता ना। जब ये नंगी तस्वीर मेरे बेटी के मोबाइल पे आई होगी, मेरी बेटी के सहेलियों के दोस्तों के पास गई होगी, तो मेरा छोड़ दो, हम तो राजनीति में हैं, हम एक खाते दो खाते हैं तो भी चुप बैठना पड़ता है। लेकिन वो बच्ची जब ये देखी तो उसको क्या क्या उसने सोचा होगा। और फिर सिर्फ दुनिया के सामने मैं गरीब हूं, मैं दोषी नहीं हूं, ये कहकर सहानुभूति मिलाना। लेकिन उसके पहले मैंने क्या किया था ये नहीं बताना। और ये ही उच्च न्यायालय ने उसको पूछा जब अपना निकाल दिया। तो देखो जो ये सीआर में जो एक्यूज है उन्होंने रिट याचिका का दाखिल किया था, वो हाईकोर्ट का ऑनरेबल हाईकोर्ट इन्होंने वो याचिका डिसमिस की है। या सिर्फ अपन जो सीआर रजिस्टर है वो सीआर का हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद और इन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एक्यूज को हमने सीआरपीसी 41(1) के तहत नोटिस दिया था। और वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद हमने वो चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल किया है।